शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी की हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #JawanFullMovie लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले इस मूवी के रिलीज अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal, दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फैन हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर Donkey, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ। दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है। और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर देने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी जल्दी कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे, पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी Donkey के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर जो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी Animal को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज़ और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया, पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट पर कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा।
तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे और थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रेटिंगसन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चा नहीं आ रही है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कन कन बॉलीवुड मूवी के फैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रही थी और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसके रीजन से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी। पिछले जम मिशन रानीगंज रिलीज में आया, जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला और लोगों ने उस तरह के जानडा की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जानर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन सी किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी 0 मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे और एक ही साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज हुई थी टाइगर 3, जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ, पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में द बूल नाम की मूवी रिलीज में आने की बात चल रही है और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज में आने वाली है, जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है वो सब मूवी रिलीज को आने की बात तो पता चलेगा। उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारी बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज़ में आ रही थी और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से। तो दोस्तों देखते दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही
रिस्पॉन्स आएगा ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा, और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा, काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे। अपडेट में रहिए, कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर कम चेक करते रहिएगा, और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों #JawanHindiRamMovie #ShahrukhKhanUpcomingMovie लेके कमेंट करिए, और शाहरुख खान के फ़ैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #JawanHindiRamFullMovie लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे, और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, और इंडियन इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #JawanFullMovie लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले हैं, इस मूवी के रिलीज़ अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है, जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था, ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदार के फैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ, दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है, और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है, और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर रखा, जिसकी वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई, और 1000 करोड़ से भी जल्दी कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे, पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है, जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाले मूवी डंकी के
लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है, और मूवी का टीजर और ट्रेलर जो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था, और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज़ और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया। पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज़ में होने वाली है, और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी, और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं, और आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है, और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज़ के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है, और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा के कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे और थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रेटिंसन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चा नहीं आ रही है, देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है, वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोग को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्त देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर, और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कन कन बॉलीवुड मूवी के फ़ैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रहे थे, और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था, और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसकी रीज़न से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी, पीछे जब मिशन रानीगंज रिलीज में आया जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला, और लोगों ने उस तरह के जॉनर की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं, और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी 0 मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे, और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया, और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज हुई थी टाइगर 3 जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ। पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया,
देखते देखते अपकमिंग डेज में द बूल नाम की मूवी रिलीज में आने की बात चल रही है। और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज में आने वाली है, जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है, वो सब मूवी रिलीज को आने के बाद तो पता चलेगा। उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारी बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज में आ रही थी। और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो, आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से। तो दोस्तों देखते दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा, ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा, काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे। अपडेट में रहिए, कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग जवान हिंदी डब मूवी, हैशटैग शाहरुख खान अपकमिंग मूवी लेके कमेंट करिए। और शाहरुख खान के फैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हैशटैग जवान हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी की हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। इस मूवी के रिलीज अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीजन से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेजी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal, दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेजी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फैन हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ, दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है। रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी
टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है। और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर रखने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी जल्दी कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे। पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाले मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर जो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया। पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज़ में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में #जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे और थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रेटिंसन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चे नहीं आ रही है, देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्त देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कन कन बॉलीवुड मूवी के फैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रहे थे और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसकी रीज़न से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी, पिछले समय मिशन रानीगंज रिलीज़ में आया जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला और लोगों ने उस तरीके से जॉनर की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लिख के आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के
दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन से जानर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी जीरो मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज़ हुई थी टाइगर 3 जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ, पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में द बूल नाम की मूवी रिलीज़ में आने की बात चल रही है और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज़ में आने वाली है जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है वो सब मूवी रिलीज़ को आने के बाद तो पता चलेगा, उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज़ में आ रही थी और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से, तो दोस्तों देखते दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा। काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे, अपडेट में रहिए। कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों #JawanHindiLoveMovie #ShahrukKhanUpcomingMovie लेके कमेंट करिए और शाहरुख खान के फैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #JawanHindiLoveFullMovie लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #JawanFullMovie लेके कमेंट करिएगा।
जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। इस मूवी के रिलीज अपडेट और इस मूवी स्टूडियो का ऑफिशियल अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियल ओटीटी प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीजन से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेजी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया टाइगर 3 या फिर एनिमल, दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, इतनी तेजी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ। दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है। रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बताते कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है। और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर रखा, जिसने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे। पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आप लोगों में से कौन कौन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों, पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर जो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों, क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज़ और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों, फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया। पर दोस्तों, ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज़ में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज़ के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है Gadar 2 का, Tiger 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों, ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चा नहीं आ रही है,
देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्त देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर, और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कण कण बॉलीवुड मूवी के फैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी दो साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रही थी, और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसकी रीज़न से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी। पिछले समय मिशन रानीगंज रिलीज में आया, जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला, और लोगों ने उस तरह के जॉनर की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कण कण इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं, और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतज़ार करोगे, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी जीरो मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे, और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया, और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज हुई थी टाइगर 3, जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ, पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में दी बूल नाम की मूवी रिलीज़ में आने की बात चल रही है, और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज़ में आने वाली है, जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है, और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है, वो सब मूवी रिलीज़ को आने की बात तो पता चलेगा, उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारी बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कमेंट टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज़ में आ रही थी, और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से, तो दोस्तों देखते दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा, ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा। काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे, अपडेट में रहिए। कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा, और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक
आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है। वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों #टैग जवान हिंदी डब मूवी, #टैग शाहरुख खान अपकमिंग मूवी लेके कमेंट करिए। और शाहरुख खान के फैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #टैग जवान हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे, और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, और इंडियन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #टैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। इस मूवी के रिलीज अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है, और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal, दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ, दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है, और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है। रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है, और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था, और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है, और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर देने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी, और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई, और 1000 करोड़ से भी जल्दी कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे, पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है, और मूवी का टीजर और ट्रेलर तो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था, और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है,
और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया। पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं और आप लोगों में से कन कन इन जॉनर की मूवीज देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट को सर कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चा नहीं आ रही है, देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोग को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्त देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रेस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कन कन बॉलीवुड मूवी के फ़ैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रही थी और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसकी रीज़न से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी, पिछले जम मिशन रानीगंज रिलीज में आया जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला और लोगों ने उस तरह के जॉनर की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं और रिलीज में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी 0 मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज़ हुई थी टाइगर 3 जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ। पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में दिबूल नाम की मूवी रिलीज में आने की बात चल रही है और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज में आने वाली है, जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रहता है
और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है, वो सब मूवी रिलीज़ को आने के बाद तो पता चलेगा। उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारी बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज में आ रही थी। और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो, आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा, ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा, काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे। अपडेट में रहिए, कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा। और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों #JawanHindiRamMovie #ShahrukhanUpcomingMovie लेके कमेंट करिए। और शाहरुख खान के फ़ैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #JawanHindiRamFullMovie लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #JawanFullMovie लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले इस मूवी के रिलीज़ अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ, दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है। रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी
टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है। और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर देने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे। पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट में सिर्फ कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जैनड्रा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर तो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है जिसके रीजन से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया। पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट पर कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है। और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज़ के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे और थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चे नहीं आ रही है, देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोग को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्तों देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रेस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कन कन बॉलीवुड मूवी के फ़ैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रहे थे और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसके रीज़न से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी, पिछले समय मिशन रानीगंज रिलीज में आया जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला और लोगों ने उस तरह के जॉनर की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के
दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी की हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जानर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतज़ार करोगे आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी जीरो मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज हुई थी टाइगर 3 जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ, पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में द बूल नाम की मूवी रिलीज में आने की बात चल रही है और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज में आने वाली है जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे लगता है और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है वो सब मूवी रिलीज़ को आने के बाद तो पता चलेगा, उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारी बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज़ में आ रही थी और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से, तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा यू तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा। काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे, अपडेट में रहिए। कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स चेक करते रहिएगा और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों #JawanHindiRamMovie #ShahrukhKhan अपकमिंग मूवी लेके कमेंट करिए और शाहरुख खान के फैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #JawanHindiRamFullMovie लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी की हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #JawanFullMovie लेके कमेंट करिएगा।
जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। इस मूवी के रिलीज अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal, दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फ़ैन हो, दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ। दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है। और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर देने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी जल्दी कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे, पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर तो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज़ और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया, पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज़ में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज़ के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा के कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है Gadar 2 का, Tiger 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चे नहीं आ रही है,
देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके से जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्त देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर, और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कण कण बॉलीवुड मूवी के फ़ैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी दो साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रही थी, और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसकी रीजन से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी। पिछले साल मिशन रानीगंज रिलीज में आया, जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला, और लोगों ने उस तरीके झंडा की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं, और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी जीरो मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे, और एक ही साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया, और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज़ हुई थी टाइगर 3, जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ, पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में दिबूल नाम की मूवी रिलीज़ में आने की बात चल रही है, और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज़ में आने वाली है, जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है, और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है वो सब मूवी रिलीज़ को आने के बाद तो पता चलेगा। उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज़ में आ रही थी, और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से, तो दोस्तों देखते दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा। काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे, अपडेट में रहिए। कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा, और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी
प्रीमियर में आ रही है वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग जवान हिंदी डब मूवी, हैशटैग शाहरुख खान अपकमिंग मूवी लेके कमेंट करिए। और शाहरुख खान के फ़ैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हैशटैग जवान हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब फिल्म से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी की हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले इस मूवी के रिलीज़ अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फैन हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ, दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है। रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है। और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर रखा, लेने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे, पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर जो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज़ और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया, पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को
इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं और आप लोगों में से कनकन इन जॉनर की मूवीज देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट पर कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताएगी एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे और थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रेटिंगसन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चा नहीं आ रही है, देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोग को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कनकन बॉलीवुड मूवी के फैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रही थी और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसके रीज़न से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी, पिछले जम मिशन रानीगंज रिलीज में आया जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला और लोगों ने उस तरह के जानडा की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करती हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी 0 मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज हुई थी टाइगर 3 जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ, पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में द बूल नाम की मूवी रिलीज में आने की बात चल रही है और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज में आने वाली है, जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है वो सब मूवी रिलीज़ को आने के बाद तो पता चलेगा, उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारी बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट
उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज में आ रही थी। और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से। तो दोस्तों देखते दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा, ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा, काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे। अपडेट में रहिए, कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा। और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों #जवान हिंदी डब मूवी #शाहरुख खान अपकमिंग मूवी लेके कमेंट करिए। और शाहरुख खान के फैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #जवान हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। इस मूवी के रिलीज़ अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है, जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal, दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ, दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है। रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बताते कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है। और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर देने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी जल्दी कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे, पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन
और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं और उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने ही रेकर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर तो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज़ और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया। पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज़ में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज़ के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे और थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रेटिंसन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चा नहीं आ रही है, देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोग को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्त देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कन कन बॉलीवुड मूवी के फ़ैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रही थी और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसकी रीज़न से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी, पिछले जब मिशन रानीगंज रिलीज में आया जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला और लोगों ने उस तरह के जॉनर की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो आप हमें कमेंट करिए। जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो,
कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतज़ार करोगे आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी जीरो मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज हुई थी टाइगर 3 जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ। पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में द बूल नाम की मूवी रिलीज में आने की बात चल रही है और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज में आने वाली है जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है, वो सब मूवी रिलीज को आने की बात तो पता चलेगा। उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारी बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज में आ रही थी और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से, तो दोस्तों देखते दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा, काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे। अपडेट में रहिए, कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेकर आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा और काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों #JawanHindiRamMovie #ShahrukhKhanUpcomingMovie लेके कमेंट करिए और शाहरुख खान के फैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #JawanHindiRamFullMovie लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी की हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #JawanFullMovie लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। इस मूवी के रिलीज़ अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया टाइगर 3 या फिर एनिमल, दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फ़ैन हो, तो
दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और आप सभी को मैं हाईलाइट रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि दिसंबर 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ। दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर रखने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे, पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर तो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया, पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं और आप लोगों में से कनकन इन जॉनर की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट पर कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में #जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चे नहीं आ रही है, देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोग को इस तरीके से जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्त देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कन कन बॉलीवुड मूवी के फ़ैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रही थी और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसकी रीज़न से मूवी काफ़ी
अच्छी रह गई और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी। पिछले मिशन रानीगंज रिलीज में आया, जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला और लोगों ने उस तरीके से जानडा की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए। जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं और रिलीज में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन से जॉनर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था और शाहरुख खान सर ने किंग खान, जिनकी जीरो मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज हुई थी टाइगर 3, जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ। पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में दिबूल नाम की मूवी रिलीज में आने की बात चल रही है और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज में आने वाली है, जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है, वो सब मूवी रिलीज़ को आने के बाद तो पता चलेगा। उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज़ में आ रही थी और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो, आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से। तो दोस्तों देखते दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा, ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा, काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे। अपडेट में रहिए, कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों #JawanHindiDubMovie #ShahrukKhanUpcomingMovie लेके कमेंट करिए और शाहरुख खान के फैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #JawanHindiDubFullMovie लेके कमेंट करिएगा।
शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी की हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले इस मूवी के रिलीज अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal, दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ, दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है। रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर देने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे, पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर जो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीजन से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज़ और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया, पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज़ में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा।
तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज़ के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे और थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चा नहीं आ रही है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्तों देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कन कन बॉलीवुड मूवी के फैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रही थी और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसकी रीजन से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी। पिछले समय मिशन रानीगंज रिलीज में आया, जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला और लोगों ने उस तरीके से जॉनर की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी 0 मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज हुई थी टाइगर 3, जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ, पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में द बूल नाम की मूवी रिलीज़ में आने की बात चल रही है और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज़ में आने वाली है, जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है वो सब मूवी रिलीज़ को आने की बात तो पता चलेगा, उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारी बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज़ में आ रही थी और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से, तो दोस्तों देखते दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा, ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही
पता चलेगा, और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के साथ से तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा, काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे। अपडेट में रहिए, कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसे काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स चेक करते रहिएगा, और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों #JawanHindiLoveMovie #ShahrukhKhan अपकमिंग मूवी लेके कमेंट करिए, और शाहरुख खान के फ़ैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #JawanHindiLoveFullMovie लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे, और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, और इंडियन इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #JawanFullMovie लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले हैं, इस मूवी के रिलीज अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है, जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीजन से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था, ये एक बेहतरीन और सबसे तेजी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। दोस्तों इतनी तेजी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फैन हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ, दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है, और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है, और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर रखा, जिसकी वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई, और 1000 करोड़ से भी जल्दी कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे, पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है, जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है, और मूवी का टीजर और ट्रेलर तो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और काफ़ी सारे लोग को
ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया। पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी, और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों में से कन कन इन जॉनर की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारी वीडियो के कमेंट पर कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है। और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज़ के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है। और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चा नहीं आ रही है, देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है। अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोग को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्त देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर, और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कन कन बॉलीवुड मूवी के फैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रहे थे, और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसकी रीज़न से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी, पिछले जब मिशन रानीगंज रिलीज में आया जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला और लोगों ने उस तरह के जॉनर की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं, और रिलीज में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी 0 मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे, और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया, और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज़ हुई थी टाइगर 3, जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ। पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में दिबूल नाम की मूवी रिलीज़ में आने की बात चल रही है। और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज़ में आने वाली है, जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए
एक अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है, वो सब मूवी रिलीज़ को आने की बात तो पता चलेगा। उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारी बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज में आ रही थी। और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो, आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा, ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा, काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे। अपडेट में रहिए, कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग जवान हिंदी डब मूवी, हैशटैग शाहरुख खान अपकमिंग मूवी लेके कमेंट करिए। और शाहरुख खान के फैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हैशटैग जवान हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। इस मूवी के रिलीज़ अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal, दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ, दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है। रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी
टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है। और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर रखा, जिसकी वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे। पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाले मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जानरा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर जो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीज़न से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज़ और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया। पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज़ में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारी वीडियो के कमेंट पर कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में #जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज़ के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को पता है कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है गदर 2 का, टाइगर 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे और थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चे नहीं आ रही है, देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पॉन्स आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोग को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्तों देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कन कन बॉलीवुड मूवी के फ़ैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी 2 साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रही थी और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसके रीज़न से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी, पिछले जम मिशन रानीगंज रिलीज में आया जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारे अपडेट मिला और लोगों ने उस तरीके से जॉनर की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के
दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में तो अच्छे से काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में तो अच्छे कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जानकारी की मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी जीरो मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे और 21 साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज हुई थी टाइगर 3 जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ, पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में दिबूल नाम की मूवी रिलीज़ में आने की बात चल रही है और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज़ में आने वाली है जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है वो सब मूवी रिलीज़ को आने के बाद तो पता चलेगा, उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारी बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज़ में आ रही थी और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से, तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह का रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा। काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग में आना है, वो सब मूवी तो आपके पास हम जल्दी ही प्रीमियर में लेकर आएंगे, अपडेट में रहिए। कुछ बेहतरीन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी पिछले टाइम नेटफ्लिक्स जैसी काफ़ी सारी डिजिटल प्रीमियर में लेके आए, वो सब मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को कमेंट करके कमेंट बॉक्स चेक करते रहिएगा और काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक आप सभी के पास हम लेकर आएंगे और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, वो सब रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों #JawanHindiDub Movie #ShahrukhKhan अपकमिंग मूवी लेके कमेंट करिए और शाहरुख खान के फैन के लिए तो इन दिनों डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब मूवी भी आप सभी के पास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #JawanHindiDub Full Movie लेके कमेंट करिएगा। शाहरुख खान सर की साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी जवान फाइनली दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ने जवान को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड थे और आप लोगों ने हमें कमेंट कर चुके थे कि इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर से जुड़े अपडेट के लिए। और दोस्तों फाइनली ये मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है और इंडियन इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ के लिस्ट में आने वाली और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कमाई करने वाली मूवी जवान फाइनली दोस्तों आप सभी के पास आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी की हिंदी फुल प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #JawanFullMovie लेके कमेंट करिएगा।
जी हाँ दोस्तों, जवान की हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। इस मूवी के रिलीज अपडेट और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और लोगों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बताया था इस मूवी का अपडेट और रिलीज़ के लिए, जो कि आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे बेहतरीन कमाई करने वाली मूवी को अभी तक नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि ये मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स के पास होने के रीज़न से ये मूवी आप सभी को ओनली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और पिछले टाइम नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस मूवी को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट दिया था। ये एक बेहतरीन और सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक जो मूवी आया Tiger 3 या फिर Animal, दोनों ही मूवी ने उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से वायरल होने वाली मूवी और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा ये बेहतरीन मूवी आप लोगों ने देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी के किरदारों के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दिनों शाहरुख खान सर की मूवी के लिए, जो कि December 25 पर उनकी एक और नई मूवी जो रिलीज होने वाली है क्रिसमस के मौके पर, डंकी, जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो एक बेहतरीन मूवी होने वाला है। इस साल दोस्तों शाहरुख खान सर की 3 मूवी रिलीज होने वाली थी, जिनमें से पठान और जवान रिलीज हुआ। दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार कमाई भी कर चुका है और दोनों को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है और काफ़ी टाइम से चर्चे भी चल रहा था। और इस टाइम पर आप सभी को हम बता दें कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और किरदार के अंदर भी रही ये मूवी जो जवान नेटफ्लिक्स के पास रहा है। और इस मूवी का ऑफिशियली प्रीमियर राइट OTT पर नेटफ्लिक्स ने लेकर देने की वजह से इस मूवी को 7.1 की आउट ऑफ रेटिंग मिली थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग मिली हुई और 1000 करोड़ से भी जल्दी कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान सर की पहली मूवी बनी है। इससे पहले शाहरुख खान सर की मूवी सक्सेसफुल तो थे पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना ज़्यादा आगे नहीं थे। पर दोस्तों इस टाइम शाहरुख खान सर की मूवीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है, जिसको देखते हुए अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर के फैन और उनकी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन शाहरुख खान सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, उनकी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने अभी तक शाहरुख खान सर की मूवीज़ को नहीं देखे होंगे। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज हुई पठान और जवान दोनों ने ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने के बाद इस टाइम रिलीज होने वाली मूवी डंकी के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। और जिसने भी एक और नई मूवी और नए जेनरा पर बेस है और मूवी का टीजर और ट्रेलर तो रिलीज में आ चुका है, जिसके रीजन से मस्ट वॉच मूवी इन इंडिया के नाम से जवान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोग को ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद आया है, जिसके रीजन से मूवी को यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से बार बार सर्च किया जा रहा था। और हाल ही में बॉलीवुड की मूवी एनिमल को इंट्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली इतनी जल्दी। पर दोस्तों क्या ये मूवी ने जवान मूवी का रिकॉर्ड कमा ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं, ये तो मूवी के रिलीज़ और पूरी सक्सेसफुल के बाद ही पता चलेगा। पर दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन पर ये मूवी उतना आगे जा नहीं पाया। पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जवान मूवी जो रिलीज़ में होने वाली है और जो जवान की सीक्वल आने की बात चल रही थी और उसी दौरान लोगों को इस मूवी को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद है और इस तरह के किरदार के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अपकमिंग डेज में आप सभी को जवान की सीक्वल, पठान की सीक्वल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मूवीज़ के सीक्वल देखने को मिलने वाली है, जिसके रीज़न से अपकमिंग डेज मूवी फैन और मूवी लवर के लिए काफ़ी खास होने वाला है और आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग जवान फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है। रिलीज़ के साथ मूवी के किरदार प्रीमियर के बारे में चर्चा चल चुकी है और आप सभी को बताया कि एनिमल मूवी ने भी 300 करोड़ की सी भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के बाद मूवी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है Gadar 2 का, Tiger 3 का। और देखते ही देखते मूवी अगर आगे थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो दोस्तों जवान मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और दोस्तों ऑडियंस रेटिंग और ऑडियंस की तरफ से मूवी के बारे में चर्चे नहीं आ रही है,
देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में कैसा रिस्पांस आता है, अपकमिंग दिनों में लोगों की तरफ से मूवी से जुड़ी कैसे रिस्पांस आती है वो तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के जॉनर की मूवी पसंद तो आ रही है, पर दोस्तों लोगों को वो सब मूवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्त देखते दोस्तों अपकमिंग डेज कैसे रहेगी मूवी प्रीमियर, और शाहरुख खान सर की मूवी डंकी ने कैसे रिस्पांस करता है वो सब देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन दिनों आप लोगों में से कण कण बॉलीवुड मूवी के फैन हो चुकी है, जो कि काफ़ी सारे मूवी दो साल से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप से फ्लॉप जा रहे थे, और बैक टू बैक फ्लॉप जाने के बावजूद साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर धमाका मचा दिया था। और उसी दौरान पठान इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ गदर 2 जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड को आगे लेके आए, जिसकी रीजन से मूवी काफ़ी अच्छी रह गई। और अक्षय कुमार सर की भी कुछ बेहतरीन मूवी फ्लॉप में जा रही थी, पिछले दम मिशन रानीगंज रिलीज में आया जिसको लोगों ने प्यार दिया, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से मूवी के जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट मिला और लोगों ने उस तरह के जॉनर की मूवीज़ को पसंद भी किया। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ को देखना पसंद करती हो, आप हमें कमेंट करिए जवान फुल मूवी कमेंट लेके आप लोगों ने हम बता सकते हो। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को डंकी के रिलीज़ के साथ प्रीमियर करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डंकी मूवी रिलीज़ में होने के दौरान आप सभी को देखने को भी मिल सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते मूवी के अपडेट और मूवी के रिलीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों मूवी के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम पहले ही होकर रखा था, पर दोस्तों इन दिनों मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चा कैसे रहेगा वो तो मूवी को रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों डंकी मूवी जब प्रीमियर कर दिया जाएगा उस टाइम पर मूवी के हिंदी प्रीमियर में ले भी सकते हैं, और रिलीज़ में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों डंकी मूवी के प्रमोशन के दौरान जवान मूवी इतनी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए लोग मूवी को हिंदी पर भी प्रीमियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपकमिंग डेज में आप सभी को कौन सी जानता है कि मूवी के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो, कौन से किरदार के लिए ज़्यादा इंतजार करोगे आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के साथ जवान मूवी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और शाहरुख खान सर ने किंग खान जिनकी जीरो मूवी के फ्लॉप के बाद 4 साल गैप में रहे, और एक ही साल इन्होंने 3 मूवी को इंट्रोड्यूस किया, और जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तोड़ फाड़ू कमाई कर रही, जिसकी देखते हुए अपकमिंग डेज में सलमान भाई की मूवी जो रिलीज़ हुई थी टाइगर 3 जो भी एक अच्छी मूवी साबित हुआ, पर दोस्तों मूवी ने जवान का कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते देखते अपकमिंग डेज में दिबूल नाम की मूवी रिलीज़ में आने की बात चल रही है, और दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को बॉलीवुड की और भी ज़्यादा काफ़ी सारी मूवी रिलीज़ में आने वाली है, जो बॉलीवुड की मूवी फैन के लिए एक अच्छी बात है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज मूवी लवर के लिए कैसे रखता है, और कौन सी मूवी ने आप सभी को साथ देता है वो सब मूवी रिलीज़ को आने के बाद तो पता चलेगा, उस तरह के आप सभी को मूवी तो देखने को मिल ही जाएगा। आप लोगों ने हमें कमेंट करिएगा अपकमिंग डेज में इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, कौन सी मूवी के किरदार के लिए एक्साइटेड रहने वाले हो आप हमें कमेंट करिए। और बैक टू बैक सुपर हिट बेहतरीन मूवीज़ और काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कम्युनिटी टैब पर चेक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर कुछ लिंक अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट उस टाइम पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट रिडायरेक्ट मूवी रिलीज़ में आ रही थी, और दोस्तों डंकी मूवी कौन कौन लोग थिएटर जाकर देखने वाले हो आप सबसे पहले हमें कमेंट करिए, जो कि डंकी मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी रहने वाली है। रिलीज़ के साथ साथ डंकी मूवी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तेज़ी से, तो दोस्तों देखते दोस्तों मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह के रिस्पॉन्स मिल जाता है या फिर कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आएगा ये तो मूवी रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को ये सब मूवी के चर्चे तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, तब तक के लिए आप लोग अपडेट में रहिएगा, काफ़ी सारी मूवीज़ आप सभी के पास अभी पेंडिंग।